दोस्तों हमारे आसपास ऐसे बहुत सी चीजें होती है जिसे हम अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं। जैसे कि आपको पता है इंजेक्शन लगवाने या फिर मच्छर काटने के बाद उस काटी हुई जगह का सरफेस किस तरह से नजर आता है, या फिर ह्यूमन स्पर्म माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता होगा। और क्या आप जानते हैं मासूम दिखने वाले चींटियां माइक्रोस्कोप में देखने पर किसी राक्षस से कम नहीं लगते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही चीजों को माइक्रोस्कोप के मदद से देखेंगे जिससे वाकई आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर वन, इंजेक्शन का सुई कितनी भी छोटी क्यों ना हो फिर भी उसे लगवाने से सभी को डर लगता है। लेकिन क्या आपने सुई को कभी माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा है? और क्या आप सुई लगवाने के बाद जहां सुई लगी थी उस जगह को देखा है? आप गारंटी के साथ सुई को माइक्रोस्कोप में देखकर हैरान हो जाएंगे। असल में सुई को माइक्रोस्कोप में देखने पर बहुत बड़ी नजर आती है जिसके एंड पर एक होल होता है जिसके द्वारा ही बॉडी के अंदर दवाई पहुंचती है। लेकिन सुई लगने के बाद कोई घाव तो नहीं दिखता है, लेकिन जब आप उस जगह को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सुई लगी हुई जगह पर आपको कुछ इस तरीके का बड़ा होल दिखाई देगा जो वाकई आपको डरा देगा। नंबर टू, दोस्तों पेन हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है माइक्रोस्कोप से जूम करने पर पेन एक्चुअली दिखता कैसा है? जब माइक्रोस्कोप के नीचे पेन को जूम करके देखते हैं तो उसके निब के आगे छोटा सा बल्ब लगा होता है जो कि बिल्कुल गोली की तरह दिखता है, जिससे लिखते वक्त पेन के चलने के साथ साथ ये भी घूमती है, पर इसका घूमना हमारे आंखों से नजर नहीं आता। और जब भी हम किसी कागज पर पेन से लिखते हैं तो इसी बल्ब के घूमने से पेन का इंक कागज पर आता है और हमें कंटिन्यू लाइनिंग दिखता है। नंबर थ्री, ये तो आप सबको पता होगा कि दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, लेकिन उन बैक्टीरिया को हम में से अधिकतर लोग नहीं देखा होगा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को आप सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। दही के अंदर कुछ इस तरह के मूविंग बैक्टीरिया होते हैं। वैसे अगर आपको ये बैक्टीरिया नॉर्मल आंखों से दिखाई देता तो शायद आप दही को इतने मजे से नहीं खा पाते। नंबर फोर, इंसान की जीभ देखने में काफी स्मूथ नजर आते हैं और यही जीभ आपको खाने का टेस्ट भी बताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है माइक्रोस्कोप में ये जीभ कैसे दिखती होगी? दोस्तों जब आप माइक्रोस्कोप में जीभ को देखेंगे तो आपको उसके ऊपर कुछ इस तरह के उठे हुए से कांटे नजर आएंगे। इसके आगे और भी ज्यादा जूम करने पर आपको जीभ किसी समुन्द्र के बॉटम पर लगे हुए पेड़ पौधों की तरह लगेगी। नंबर फाइव, दोस्तों चींटियां अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर कोने में मौजूद है। क्या आप जानते हैं चींटियां जितने मासूम और छोटे दिखते हैं माइक्रोस्कोप में देखने पर ये उतने ही ज्यादा खतरनाक लगते हैं। जैसा कि आप इस माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में देख सकते हैं चींटी का फेस कितना अजीब और डरावना लग रहा है। चींटियों के आंखें छोटे काले मोतियों जैसे लग रहे हैं। चींटी का फेस किसी मूवी का डेविल या फिर राक्षस जैसा लग रहा है। नंबर सिक्स, कि आपने ह्यूमन स्पर्म की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखा है? इस वीडियो में आपको जो छोटे छोटे मछलियों की तरह तैरते हुए चीज दिखाई दे रहे हैं यही असल में मेल स्पर्म होता है जिसके अंदर दूसरे लाइफ की क्षमता होती है। ये स्पर्म हमेशा ऐसे मूव करता रहता है। नंबर सेवन, गाइस मोबाइल का इस्तेमाल तो हम रोजाना करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल में डिस्प्ले आखिर कैसे आता है? इसके लिए जब एक मोबाइल की स्क्रीन पर जब एक हाईटेक माइक्रोस्कोप से देखा गया तब अंतिम स्टेज में आके मोबाइल का पिक्चर फटने लगी। जैसा कि आप इस क्रोम ब्राउजर की हाल देख सकते हैं, जब जब इसे जूम किया जाता है तो ये उतनी ही बार छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाते हैं, फिर एंड में कहीं जाकर डिस्प्ले की रास खुलता है क्योंकि लास्ट में सिर्फ छोटे छोटे कलरफुल बॉक्स ही नजर आते हैं जिसे हम पिक्सल कहते हैं, जिसमें सिर्फ तीन कलर ही दिखाई देते हैं, रेड ब्लू और ग्रीन यानी आरजीबी कलर होता है। और इन तीन कलर के मिल जाने से ही हमें बाकी कलर भी दिखाई देते हैं और तब जाकर कहीं हम एक परफेक्ट इमेज देख पाते हैं। तो आपके घर में जितने भी डिस्प्ले एक्सेसरीज है जैसे कि टीवी, एलईडी, मोबाइल, इन सभी चीजों में पिक्सल के मदद से ही पिक्चर आते हैं। तो देखा आपने छोटा सा पिक्सल का कमाल, जो अगर हजारों में मिल जाए तो क्या से क्या बन सकते हैं। नंबर एट, दोस्तों कोरोना वायरस को कौन नहीं जानता जो पिछले कई सालों से पूरे दुनिया के नाक में दम करके रखा है, इसीलिए हर कोई आज भी मास्क लगा के चलता है। पर क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस दिखता कैसा है? इसका टेस्ट करने के लिए एक कोरोना पॉजिटिव आदमी का मास्क लेके माइक्रोस्कोप में देखा गया जिसमें जाहिर सी बात है कोरोना वायरस होगा। तो मास्क में वायरस देखने के लिए जब उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम किया गया तब उसके अंतिम स्टेज में जाकर जर्म्स और वायरस दिखने लगे जो बिल्कुल डरावना था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे फिर मुलाकात हो एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।